तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बंधन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट करना बताऊंगा, जो कि अभी फिलहाल 7% का रेट चल रहा है। 600 दिन के लिए करेंगे तो 8% का भी आपको रेट मिल सकता है। दोस्तों मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अगर आप FD करना चाहें तो वहां पर बहुत सारा ऑप्शन है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग में कम ऑप्शन है, आप आसानी से समझ पाएंगे और अपना FD कर पाएंगे, इंटरनेट बैंकिंग से आसान है। तो इसलिए मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फिक्स डिपॉजिट ओपन करना बता रहा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर लेना है बंधन बैंक का। अगर आपने अभी तक इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में है, वीडियो देख करके आप आसानी से अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं अभी मैं इंटरनेट बैंकिंग वाले पेज पर जा चुका हूं बंधन बैंक का। यहां पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके मैं लॉगिन कर लेता हूं। दोस्तों ये हमारा इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन हो चुका है, बता रहा है कि आप 8% का पर एनम FD का रेट ले सकते हैं। देख सकते हैं यहां पर 600 दिन के लिए बता रहा है, सीनियर सिटीजन के लिए है, और नॉर्मल लोग 7.5% का रेट ले सकते हैं 600 दिनों के लिए अगर आप FD करते हैं। क्लोज कर देता हूं यहां पर, और यहां पर देख सकते हैं ये मेरा सेविंग्स अकाउंट है, और यहाँ पर ये सेविंग अकाउंट में इतने पैसे बता रहा है, और लास्ट जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो अगर आपको FD करना है तो यहाँ पर ओपन डिपॉजिट का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये क्विक लिंक्स में देता है। अगर आपके इंटरनेट बैंकिंग में यहाँ से ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर माई अकाउंट्स के ऑप्शन में जाएंगे और ओपन डिपॉजिट का यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है नीचे से तीसरे वाले ऑप्शन में, तो ओपन डिपॉजिट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा, रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और टैक्स सेवर डिपॉजिट। तो टैक्स सेवर वाला जो होता है वो मैक्सिमम 1.5 लाख का ही कर सकते हैं और 5 वर्षों के लिए होता है, लॉक हो जाता है, उससे आप प्रीमेच्योर निकाल नहीं सकते। तो जिन लोगों को पैसों की जरूरत नहीं है 1.5 लाख डाल सकते हैं आराम से, 5 वर्षों के बाद निकलेगा, उस पर कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लगता है। तो ठीक है, ये लॉक इन होता है 5 वर्षों का। और RD तो होता है अगर आप हर महीने कुछ पैसे जमा करना चाहते हैं, तो उसके लिए RD होता है, मिनिमम 6 महीने के लिए आप यहां से कर सकते हैं। और हमें खोलना है फिक्स डिपॉजिट यानी कि टर्म डिपॉजिट, ये वाला 7 दिनों से 10 वर्षों के लिए कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट 1000 रुपए आप जमा कर सकते हैं। फिलहाल देख सकते हैं छोटा सा एरो है, यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं, और यहां से हम अपना इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आसानी से फिक्स डिपॉजिट खोल पाएंगे। 4 स्टेप में ये पूरा होगा, देख सकते हैं ये पहला स्टेप खुल चुका है। तो यहां पर ओपनिंग डिपॉजिट फॉर, यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे सेल्फ, अपने लिए खोल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर फ्रॉम अकाउंट है, आप किस अकाउंट से पैसे कटवाना चाहते हैं FD में डालने के लिए, तो आपका यहां पर सेविंग अकाउंट शो करने लगेगा, यहां पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका पैसा यहां पर शो करने लगेगा। अगर आप रेट देखना चाहते हैं क्या रेट चल रहा है फिलहाल, तो यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्लिक करके आप लेटेस्ट रेट देख सकते हैं FD वाला, ये देख सकते हैं, ये नए टैब में खोलेगा और ये FD का जो चार्ट है वो दिखाएगा। यहाँ पर नीचे जाएंगे थोड़ा सा और यहाँ पर टर्म डिपॉजिट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये जो रेट है वो दिखा देगा। देख सकते हैं यहाँ पर 1 वर्षों के लिए, 1 ईयर टू 599 डेज के लिए 7% है, और 600 दिनों के लिए करेंगे तो 7.5% नॉर्मल और 8% बुजुर्गों के लिए यहाँ पर रेट चल रहा है। तो हम यहाँ पर अपना FD खोल रहे थे तो यहाँ पर फिर से आ गए हैं। उसके बाद अमाउंट कितना आप FD करना चाहते हैं, तो चलिए मैं 2000 रुपए डाल देता हूँ। आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम आपकी मर्जी जितना चाहें कर सकते हैं, 5000 करें या फिर 5 लाख करें, 10 लाख करें, आपकी मर्जी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में 40,000 से ज्यादा का ब्याज बनता है तो उस पर 10% का TDS कटता है, तो फॉर्म 15G और 15H भरना होता है, जो लोग ITR नहीं भरते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट 2000 रुपए डाल देते हैं, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिपॉजिट टाइप है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कैसा आप किस प्रकार का इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, मंथली लेना चाहते हैं, क्वार्टरली यानी 3 महीने पर लेना चाहते हैं, या फिर मैच्योरिटी मतलब एक ही साथ में लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ऑन मैच्योरिटी, और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मैच्योरिटी वाला क्लिक करिए। डिपॉजिट टेन्योर कितने समय के लिए करना चाहते हैं, तो मैं 1 वर्ष के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, रिन्यू प्रिंसिपल ओनली और रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इन तीनों का मतलब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले तो ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट के ऊपर अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं इसके ऊपर क्लिक करके, तो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा, FD का जो मेच्योरिटी रेट होगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है। और दूसरा वाला ऑप्शन है रिन्यू प्रिंसिपल ओनली, अगर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपका ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो फिर से FD में डाल दिया जाएगा। और उसके नीचे ऑप्शन है रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है मूलधन और जो ब्याज है
टोटल पैसे को फिर से एफडी में डाल दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं फिर से नया एफडी खोल लूंगा जब मेरे सेविंग अकाउंट में पैसे आ जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद प्रिंसिपल एंड मैच्योरिटी क्रेडिट अकाउंट, यहाँ पर क्लिक करके और अपना सेविंग अकाउंट चुन लेंगे। ये वही अकाउंट है जिस अकाउंट से पैसे कटेंगे, यहाँ पर फ्रॉम अकाउंट जो लिखा हुआ है वही वाला अकाउंट यहाँ पर है, इसी अकाउंट में पैसे वापस भी आ जाएंगे। ट्रांजेक्शन रिमार्क, तो चलिए कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं डाल देता हूँ डेमो, क्योंकि मैं आपको एक डेमो एफडी खोल करके दिखा रहा हूँ। ठीक, प्रोडक्ट टाइप यहाँ पर चुन लीजिए और एफडी एडवांटेज कम्युलेटिव है, उसके बाद धन समृद्धि है, तो आपको ऊपर वाला एफडी एडवांटेज कम्युलेटिव के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा आपका नॉमिनी का, नॉमिनी यहाँ पर देख सकते हैं, नॉमिनी के बगल में यहाँ पर सेलेक्ट नॉमिनेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नो नॉमिनी, अगर ये कर देते हैं तो आपके एफडी में कोई भी नॉमिनी जोड़ा नहीं जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर वहीं अकाउंट नॉमिनेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में जो भी नॉमिनी है सेविंग अकाउंट में वो उसका टोटल डिटेल यहाँ पर आ जाएगा और वही नॉमिनी में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं ये मेरे नॉमिनी का डिटेल आ चुका है। उसके बाद अदर और नॉमिनी का भी ऑप्शन आता है, अगर कोई दूसरा नॉमिनी डालना चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरा नॉमिनी भी डाल सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल डालने के लिए आ गया है, नाम, एज क्या है, रिलेशन क्या है, टोटल डिटेल आप डाल सकते हैं। फिलहाल मैं अकाउंट नॉमिनी ही रहने देता हूं। तो दोस्तों यहां पर ये इनवैलिड स्पेशल कैरेक्टर बोल रहा है, यानी कि मेरे जो अकाउंट का नॉमिनी है उसके एड्रेस में कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया गया है जो कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे यहां पर अलग से नॉमिनी डालना पड़ेगा तभी ये होगा। तो चलिए मैं यहां पर अकाउंट नॉमिनी के ऊपर क्लिक करके और अदर नॉमिनी के ऊपर क्लिक कर देता हूं और बिना स्पेशल कैरेक्टर डाले टोटल डिटेल डाल देता हूं। दोस्तों यहां पर मैंने नॉमिनी का डिटेल डाल दिया है और डिस्प्ले नॉमिनी नेम यहां पर मैंने यस कर दिया है, आप भी यस कर सकते हैं। तो ये शो करेगा अगर आपको पीडीएफ जनरेट होता है, इसका रिसिप्ट जो जनरेट होगा वहां पर शो करेगा। ठीक है, तो मैंने यस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हैं। अब मैं सबमिट के ऊपर फिर से क्लिक कर देता हूं और यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने से पहले दिखा दूँ। यहाँ पर देख सकते हैं डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट 7% बता रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, और मेच्योरिटी अमाउंट 2144 रुपए का। अगर वही प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर 1,00,000 रुपया होता, 1,07,000 कुछ रुपया यहाँ पर मेच्योरिटी अमाउंट शो करता। तो मैं आपको डेमो के लिए 2,000 का करके दिखाया, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, 1,00,000 करिए, 5,00,000 करिए, 10,00,000 करिए। मेच्योरिटी डेट भी यहाँ पर दिखा रहा है, क्वार्टरली इंटरेस्ट कंपाउंड होगा और मेच्योरिटी के समय आपको टोटल मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल ही लेता हूँ। ट्रांजैक्शन पासवर्ड मैंने डाल दिया है दोस्तों और कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओटीपी आएगा, मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी डालूंगा और मेरा एफडी खुल जाएगा। यहाँ पर मैंने अपना ओटीपी डाला और सबमिट, और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरा फिक्स डिपॉजिट सक्सेसफुली खोल दिया गया है। और आप यहाँ से अपना डिपॉजिट और यहाँ से आप अपना एफडी एडवाइस डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आसानी से आप अपना एडवाइस डाउनलोड कर पाएंगे जिस पर टोटल डिटेल बताया होता है, और यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो गया है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मेरा एफडी एडवाइस, मैं इसका टोटल डिटेल तो आपको नहीं दिखा सकता, यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कस्टमर आईडी भी शो कर रहा है, मैं आपको नहीं दिखा सकता। अकाउंट नंबर मुझे मिल चुका है, नया एफडी अकाउंट नंबर, और यहाँ पर मेरा ओपन डेट बता रहा है, ब्रांच बता रहा है, और एफडी खोलने वाले का पूरा एड्रेस यहाँ पर है। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट बता रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है जो कि पर एनम मतलब सालाना है, मैच्योरिटी अमाउंट बता रहा है यहाँ पर, पैन नंबर, नॉमिनी का डिटेल बता रहा है, ऑटो क्लोज यहाँ पर यस है। ठीक है, यहाँ ऑटो क्लोजर यस है, ऑटोमेटिक मैच्योर होकर के हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा फिक्स डिपॉजिट का एडवाइस जो कि एफडी एडवाइस है। अब यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद दोस्तों ये हमारा शो भी करता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यह होम पेज पर लेके जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों डिपॉजिट्स ओवरव्यू के बगल में देख सकते हैं कि हमारा जो अभी एफडी वाला है 2,000 रुपए यहाँ पर शो कर रहा है, और यहाँ से हमारा पैसा कट चुका है, देख सकते हैं ये जो कि मिनी स्टेटमेंट में दिखा रहा है, 2,000 रुपए कट चुका है और यहाँ पर हमारा शो कर रहा है। ठीक है, 1 साल के बाद ऑटोमेटिक मेरे सेविंग अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पता चल गया होगा कि आपको फिक्स डिपॉजिट ओपन कैसे करना है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।